गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस जनवरी के मंथ में हम लोग परमेश्वर के वचन की विशेषताओं को लगातार सीखते आ रहे हैं और हम 23 विशेषताओं को 23 दिनों में सीख चुके हैं और आज है 24 जनवरी और हम 24वीं वचन की विशेषता को आज प्रभु के वचन में से ही देखने जा रहे हैं। और ये हमको मिलता है पहला कुरंथियों उसके 3 अध्याय के 1 और 2 पद को इस समय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरंथियों 3 अध्याय 1 और 2 पद, जहाँ पौलुस इस बात को कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। आप इसको समझेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में और इसके मूल अर्थ को जो पौलुस इस समय कुरंथियों की कलीसिया को कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है और लोग जो है वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है प्रभु के वचन में। इस कारण से कलीसिया में परेशानियाँ हैं और लोगों ने अपने अलग अलग गुट बना लिए हैं और एक गुटबंदी जो है वहाँ पर कलीसिया के अंदर जो है वो हो रही है। और पौलुस इस बात को समझाना चाहता है कुरंथियों की कलीसिया को ये खत लिखने के द्वारा कि तुम कब तक बालक बने रहोगे, तुम कब जो है पुत्र बनोगे, कब तुम परिपक्व बनोगे, बच्चे कब तक बने रहोगे। हालेलुया, बच्चों को बहका देता है शैतान। मैंने आपको बताया ना, बच्चे बहका दिए जाते हैं, हम बच्चों को बहका देते हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं कहता हूँ इसको उधर ले जाओ, इसको कुछ चॉकलेट दे दो, नहीं तो अगर ये मेरे को जाते हुए देखेगा तो रोने लगेगा, है ना। हम कहते हैं ना ऐसा कि बच्चे को हम बहका देते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है कोई तो वो बहकता नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा आप उसको बहकाने की कोशिश करो, कहेगा पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, आप क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन आत्मिक रूप से देखा जाए तो आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शैतान बहका देता है। जैसे हवा को वो फल दे के बहका दिया शैतान ने, ऐसे ही शैतान बहका देता है चॉकलेट के द्वारा, टॉफी के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो है बालक नहीं बने रहना है, बच्चे नहीं बने रहना है, हमें परिपक्व बनना है। और वो परिपक्व परमेश्वर का वचन हमें बनाता है। लिखा है परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्र की सामर्थ के द्वारा। प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर को पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन के ज्ञान के ना होने से लोग नाश हो रहे हैं। प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे, आप देखिए परिवार के लोग, हमारी कलीसिया के लोगों में इतना काम नहीं होता, लेकिन जब मैं बाहर निकल कर जाता हूँ दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर फ्लाइट से बैठकर ट्रेनों में सफर करके, तो वहां पर कितना काम होता है, लेकिन हमारी कलीसिया में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों के अंदर परिपक्वता नहीं है, वचन का आज्ञा पालन नहीं है। परिवार में क्यों नहीं काम हो रहा? कई बार आप देखते हैं कि आपके परिवार में काम नहीं हो रहा, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखती है, उनके जीवन में काम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिपक्वता नहीं है, लेकिन वहां पर परिपक्वता है। जहां पर मैच्योरिटी होगी, जहां पर वचन का आज्ञा पालन होगा, क्योंकि वचन के आज्ञा पालन के द्वारा ही हम परिपक्व बन सकते हैं, वहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करेगी। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे परिपक्व बनाता है। YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।